नमस्कार, स्वागत आप सबका नारद टीवी पर। 90 का दशक जहां धार्मिक धारावाहिकों का दशक बना, वहीं इसी दौर में सुपर हीरो के सब्जेक्ट पर भी तमाम सीरियल बने। शक्तिमान की अपार सफलता के बाद तमाम ऐसे धारावाहिकों का निर्माण हुआ जिनमें कभी परिया होती थी तो कभी सुपर हीरो होते थे। किसी के पास मास्क होता था तो किसी के पास जादुई पेंसिल। उनमें से कुछ धारावाहिक हमारे बचपन की यादों से कुछ इस तरह जुड़ गए जिन्हें हम आज भी नहीं भूल पाए हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही दो सुपर हीरोज की बात करेंगे जिनके बारे में वीडियो बनाने के लिए आप लोग कई बार बोल चुके हैं। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं अमितेश कोचर। शायद इस नाम से आप लोग अपरिचित हों, लेकिन इनके कैरेक्टर को आप लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूनियर जी की, जो कि 2001 में दूरदर्शन पर प्रसारित होता था। जूनियर जी, जिसे हम शक्तिमान का छोटा रूप भी कह सकते हैं, फैंटेसी और मैजिक के हैरतअंगेज कारनामों से सजी इस धारावाहिक की कहानी 12 साल के लड़के गौरव के इर्द गिर्द घूमती है। एक दुर्घटना में वो अपने माता पिता को खो देता है। जूनियर जी उर्फ गौरव अपने सुपर पावर से जादूगर फिमांचो का विनाश करके अपने शहर की रक्षा करता है। गौरव और जूनियर जी की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम था अमितेश कोचर। अमितेश उस वक्त करीब 12-13 साल के थे, लेकिन जबरदस्त एक्टिंग और शानदार कहानी की बदौलत उनका यह सीरियल न केवल बच्चों बल्कि बड़ों के बीच भी काफी पॉपुलर हो गया। इंटरनेट पर मिली जानकारी के मुताबिक जूनियर जी के बाद अमितेश ने और किसी धारावाहिक यह फिल्म में काम नहीं किया और धीरे धीरे ये लाइमलाइट से दूर हो गए। आइए जानते हैं अमितेश अब क्या कर रहे हैं और जूनियर जी के बाद इनकी जिंदगी में क्या हुआ। इंटरनेट पर बहुत रिसर्च करने के बाद हमें यूट्यूब पर इनका एक ब्लॉगिंग चैनल मिला, जिस पर ये अपने ट्रेवलिंग वीडियोस अपलोड करते हैं। इनके वीडियो के माध्यम से हमें पता चला कि जूनियर जी को बीच में अचानक ही बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह अमितेश को भी नहीं पता। जूनियर जी के बाद अमितेश के पास और कई ऑफर आए, लेकिन अपने बोर्ड एग्जाम के चलते अमितेश ने वो सारे ऑफर ठुकरा दिए। इसी बीच इनकी माताजी का भी देहांत हो गया और इन्होंने अभिनय की दुनिया से पूरी तरह से दूरी बना ली। फिलहाल हम आगे अमितेश से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आगे हमारी कोशिश कामयाब रहती है तो इनकी बायोग्राफी वीडियो भी हम जल्द लेकर आएंगे। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं किंशुक बैद, यानी कि शकलक बूम बूम सीरियल में वो छोटा सा लड़का जिसके पास वो जादुई पेंसिल रहती है। संजू के हाथ ऐसी जादुई पेंसिल लग गई थी जिससे वह जो भी चीज बनाता था वह सच हो जाती थी। यह सीरियल 2000 से 2004 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। किंशु का जन्म 5 अप्रैल 1990 को मुंबई में हुआ था। मात्र 4 साल की उम्र में ही इन्हें एक मराठी फिल्म में काम मिल गया था। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा में इन्होंने ऋषि कपूर के लड़के की भूमिका निभाई थी। इसी साल इन्हें दूरदर्शन के धारावाहिक शकलक बूम बूम में भी काम मिल गया, जिसके लिए इन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। तब से लेकर इन्होंने और भी कई धारावाहिकों में काम किया। वर्तमान समय में ये जी टीवी के धारावाहिक शुभान अल्लाह में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। आगे भी हमारी कोशिश जारी है कि हम इन धारावाहिकों के अन्य किरदारों पर भी वीडियो लेकर आएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।